तो नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं श्री न्यूज़ के साथ, मैं हूँ रूहानी। कल का एक ऐसा दिन था जहाँ पर काफ़ी जो युवा नेता थे, भारतीय जनता पार्टी का दामन उन्होंने थामा और ये बताने की कोशिश की जहाँ पर राष्ट्र की बात आएगी तो युवा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहला विकल्प और सबसे पहली पसंद जो है वो नरेंद्र मोदी को मानते हैं। फिर जिस तरह से भी कार्रवाई हुई आतंकवाद के खिलाफ, जिस तरह से बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई, तो उसी के मद्देनज़र जो है युवाओं का रुझान जो है वो नरेंद्र मोदी की तरफ है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। लेकिन एक ऐसे नेता, समय समय पर मैं इनसे बातचीत करती रहती हूँ, मुलाकात करती रहती हूँ और कुछ ऐसे मुद्दे, चाहे शाह फैजल की कोई भी एक स्टेटमेंट हो या मैं वो मुफ्ती की, तो बेबाकी से राय रखते हैं। मैं बात करूँ रोहित बजरंगी जी की और मेरे साथ बिनी महाजन जी भी हैं और इनसे भी जानेंगे कि ये भी एक युवा नेता है और जब भी जम्मू के लिए संघर्ष करने की बात होती है तो बिनी जी सबसे आगे होते हैं। लेकिन कैप्शन मैंने ये लिखी है, आपने पढ़ लिया होगा, क्या देशद्रोही वर्सेस जो देशभक्त की राजनीति है, इलेक्शन है या फिर बेरोजगारी और डेवलपमेंट, ये बड़े मुद्दे हैं। यही बातें इनसे करेंगे और जानेंगे। सबसे पहले आपसे मैं सवाल करूंगी, महबूबा मुफ्ती कुछ भी बयान देती है, चाहे मुजाहिदीनों की बात करती है, मुजाहिदीनों की पार्टी, आप भी बाकी से राय रखते हैं, लेकिन किस चीज़ ने आपको आकर्षित किया, क्या भारतीय जनता पार्टी का आपने दामन थाम लिया? सबसे पहले जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। रूहानी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपने ये बड़ा जटिल एक प्रश्न था जिसकी वजह से मुझे काफ़ी लोगों को उत्तर देना था, पर मुझे लगता है कि अब आपके माध्यम से ये मेरे जितने भी जो मुझे अपना भाई, बेटा, बच्चा, कुछ भी जो अपना समझते हैं, तो आज ही उन सबके लिए ये मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको संदेश दे दूँ कि जिस प्रकार जो आप देख रहे हैं, हमें कहीं आपको लग रहा है कि इलेक्शन हो रही है, नहीं, इस समय सिर्फ एक बात, इलेक्शन से ज़्यादा बयानबाजी हो रही है। देखिए, वो जो भी हो रहा है, वो आपने जो पहला प्रश्न किया उसी पे मैं आ रहा हूँ। देखिए, कहीं ना कहीं हमारे दिल में ये बात खटकती थी कि भारत माता की जय करने वालों पे केस दर्ज होना शुरू हो जाए, पत्थरबाजों की रिहाई शुरू हो जाए, अलगाववादियों को जब NIA हिरासत में लेके पूछताछ करे तब आप उनके लिए रोना शुरू कर दें, JKLF और जितने भी ऐसे संगठन, चाहे वो कोई भी संगठन हो, जिन्होंने ऐसी जो ऐसी हरकत करें उन पर आप आंसू बहाओ, और जो पार्टियाँ ऐसे आंसू बहा रही हैं वर्सेस जो पार्टी ये कार्रवाई कर रही है, चॉइस इज योर्स वेदर टू गो फॉर राष्ट्रवाद और टू गो फॉर अलगाववाद। और राष्ट्रवाद तो आपने कूट कूट कर भरा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल मैं आपसे पूछूंगी, आपने कहा पत्थरबाजों के केस जो है वापस ले लेके, परवीन तोगड़िया एक दिग्गज नेता, हिंदू संगठन जो आगे लेकर चलता है, अयोध्या मसला उन्होंने उठाया, काफ़ी यहाँ पर मसला उन्होंने उठाया, लेकिन वो भी नाराजगी उनकी साफ तौर पर नरेंद्र मोदी से दिखी। उन्होंने कहा यही बात कि पत्थरबाजों के केस आप वापस लेते हैं, लेकिन अमरनाथ यात्रा की जो एजिटेशन हुई थी उसमें जो हिंदू बच्चे थे उनके केस वापस लिए। आहत होते हैं कि हिंदुओं के साथ गलत होता है, लेकिन कश्मीर के बच्चे जो सेना के खिलाफ अपनी कार्रवाई करते, पत्थर उठाते, उनके केस वापस हो गए, तो सरकार किसकी थी, भारतीय जनता पार्टी और PDP? बिल्कुल, मैं आपको इसका जवाब देता हूं। देखिए, प्रवीण भाई हमारे बड़े आदरणीय रहे हैं, मैं बजरंग दल में रहा हूं, मैं काफ़ी बार उनसे मिला हूं, मेरा जीवन कहीं ना कहीं उनका प्रभाव भी हमारे जीवन पे काफ़ी है, ऐसी कोई बात नहीं, हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं। लेकिन जो परिदृश्य, जो मौजूदा जो स्थिति हमारे देश की, हमारे प्रदेश की बन चुकी है, आपको मालूम होगा यहाँ पे रसाना केस भी हुआ था, ये मैंने पहले भी बताया कि मैं इसी को लेके मैंने ये दाढ़ी और बाल बढ़ाए थे कि मैंने जो हमारे देवस्थानों की जब वो नहीं हो जाएगी, जब मैंने, मेरे को भी काफ़ी दिल में गुस्सा आता था कि यार ये भाजपा क्या नहीं कर रही, जब जो हमारे जिन्हें मैं कह सकता हूँ जिनको काफ़ी तजुर्बा है राजनीति का, जब मैं उनके साथ बैठा, उनके साथ विचार विमर्श हुआ, जब सलाह मशवरा हुआ, तो जो हमारे जम्मू के जो अभी जो मौजूदा जो हालात बने हैं उन सबको मद्देनज़र रखते हुए, और जो मैंने उनकी बातें सुनी हैं, जो मैंने समझा है, मुझे लगता है कि हमने बिल्कुल अच्छा काम किया। हम भाजपा में गए क्योंकि हमारे पास कोई और चॉइस नहीं थी, हम हमेशा राष्ट्रहित की बात करते आए हैं, चाहे वो कोई भी हो, अलगाववादी गिलानी हो, शबीर शाह हो, शाह फैजल हो, शाह फैजल अभी अलगाववादी नहीं है बट बादशाह उन्होंने बोलनी शुरू कर दी, सॉरी शाह फैजल जी आपको अगर ऐसा लगा हो, और ये यासिन मलिक, अलगाववादी जितने भी हैं, हमने इनका डट के कड़ा विरोध किया है, करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन अब मुझे एक बात बताइए, जम्मू में कांग्रेस ने उनकी जो मैनिफेस्टो में जो उन्होंने वो सेडिशन चार्जेस, जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि वो हटाने की, राष्ट्रद्रोह के कानून हटाने की और ऐसे ऐसे कानून हटाने की जो बात की जा रही है, मैं वो पूछ रहा हूँ, तो क्या हमें ऐसी पार्टी ज्वाइन करना चाहिए था जो सीधे कहती है कि मुसलमान, आपने कहा कि अफसफा हटाने की बात है या फिर सेडिशन का, लेकिन अफसफा का जब मसला हुआ, आज़ाद साहब वहाँ मौजूद थे, हम भी सभी मीडियाकर्मी वहाँ पर मौजूद थे, ये सवाल सबने उठाया और उनका कहना था रिपील नहीं करने की बात है, रिव्यू करने की बात है, क्योंकि अरुणाचल जैसे देशों में भी इस तरह से जो अफसफा लगाई गई है तो वहाँ पर भी रिव्यू किया गया, तो इसलिए हम जो है रिव्यू करना चाहते हैं, रिपील नहीं, यानी कि मायने बदल रहे हैं, सियासत के साथ साथ, इलेक्शन के साथ साथ बयान जो है वो काफ़ी
काफी बदल रहे हैं। देखिए चाहे ये इसको इसे कहते हैं पढ़े लिखे की शब्दों की जादूगरी, इसे आप शब्दों की जादूगरी कह लीजिएगा, ये रीपील करें या रिव्यू करें, बट जो इनका मेन मकसद है, जो उनका मेन मोटिव है, वो उसको विड्रॉ करवाना चाहते हैं। तभी इन्होंने बोला है कि हम जो राष्ट्रद्रोह के जिन पे केस हैं वो हटाएंगे। ये क्या हो गया जी, अगर रिव्यू करना है तो फिर ये उनके केस कैसे हटा लेंगे? ये पीएसए हटाने की भी बात उमर अब्दुल्ला ने। हाँ, तो मैं आप ही से पूछता हूँ सवाल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अपील एंड रिव्यू? अगर वो केस ही डायरेक्टली हटा रहे हैं तो रिपील और रिव्यू क्या करेंगे? इतने में तो वो लोगों को बेवकूफ भ्रम में डाल रहे हैं। मानते हैं चले, ये तो बात होगी कश्मीरियत की, कश्मीरी पॉलिटिकल पार्टी साथ आई है, महागठबंधन पहले भी क्या, हालांकि जम्मू की सीटों पर दो पार्टीज ने किया, पीडीपी जो नकार रही थी, लेकिन अब मानते हैं कि कश्मीर के जो लोग हैं उन लोगों के लिए काफी ज्यादा हद तक ये नेता सामने आते हैं जो कश्मीरियत के, लेकिन जम्मू की लीडरशिप में कहीं ना कहीं खामी है जो आवाज नहीं उठा पाती अपने बच्चों के लिए, अपने युवाओं के लिए, अपने फ्यूचर के लिए। मैं तो बड़ा बिल्कुल सही सवाल करा आपने। देखिए कश्मीर के सारे लोग राष्ट्रद्रोही नहीं है, सारे लोग अलगाववादी या उग्रवादी नहीं है। कश्मीर में बड़े अमन पसंद लोग हैं, पर उनकी आवाज़ दबाई जाती रही है। उसका रीज़न था लो परसेंटेज ऑफ वोटिंग, हमेशा लो परसेंटेज ऑफ वोटिंग हुई और ऐसे उम्मीदवार जीते हैं जिन्होंने हमेशा अलगाववादी और उग्रवादियों का ही साथ दिया है। तो इस बार मैं कश्मीर के उन लोगों से, उन माताओं बहनों से अपील करूँगा जिन्होंने अपने मासूम बच्चे, जिन्होंने ऐसे उग्रवादी हादसे में खोए, जब 14 साल के बच्चे को घर में मार दिया गया, तब ये ट्विटर और ये उग्रवादियों की खाला महबूबा कहाँ थी? इनकी तरफ से कोई ट्वीट नहीं आया। मैं पूछना चाहूँगा ना, वो भी तो कश्मीर का ही बच्चा था ना। जम्मू वाले हमें तो यार, तुम लोगों ने तो हमेशा सौतेला व्यवहार ही करा, जो कश्मीर में 14 साल का बच्चा मरा उसके लिए ट्वीट क्यों नहीं हुआ? एक लड़की के साथ इतना वो दुष्कर्म करके उसको एसिड डाल के मार दिया गया, उसके लिए इनके आंसू नहीं बहते? हद है यार, ये दोहरे जो मापदंड है एक ही स्टेट में ये नहीं चलेंगे। ये मैं सुनी मैं लोगों से यही अपील करूंगा इस बार जो भाजपा के जो कैंडिडेट हैं, क्योंकि मैं भी अब ऑफिशियली भाजपा परिवार का एक हिस्सा बन गया हूं। बट परिवार भाजपा परिवार, तो क्या भाजपा का झंडा आपने अपने घर पे स्थापित कर दिया? देखिए कल हिंदू नववर्ष था, पहले मैंने भगवा झंडा जो था, हमारी जो पहचान है, जो हमारी शान है, मैं उसको सबसे पहले मैंने उसको सुबह हिंदुत्व का जो है वो उसको स्थापित किया है। अब जल्दी ही जिस दिन वो होगा मैं आपको अवश्य बता दूंगा। बिन्नी जी हमारे साथ, इनसे मैं जानूंगी। सर अकबर लोन कहते हैं कि पाकिस्तान को एक गाली देंगे तो हम 10 गालियां वापस देंगे। साथ ही साथ ये भी कहा गया उमर अब्दुल्ला की तरफ से कि अलग जो है उनको प्रधानमंत्री चाहिए, राष्ट्रपति चाहिए। और कल की लेटेस्ट स्टेटमेंट आपको बता दूं तो फारूक अब्दुल्ला ये कहते हैं कि एक ना एक दिन तो ऐसा आएगा जब ये चीज़ें होंगी और प्रधानमंत्री भी हमारे पास होगा और राष्ट्रपति भी। क्या कहेंगे? देखिए जिन जिन महाशख्सियत के आपने नाम लिए, इनके लिए एक संदेश है कि अगर चाहने से सितारे मिलते तो आज आसमान खाली होता। इनके चाहने से इनको भी ये पीएम नहीं मिलने वाला है, और अकबर लोन के भौंकने से गाली नहीं लगने वाली है। सीधे मुद्दे पर आएँ, राष्ट्र के सम्मान की बात करें, नहीं तो युवाओं, जम्मू युवाओं का विरोध झेलने के लिए सावधान रहें और तत्पर रहें, कब भी इन पर प्रभाव हो सकता है अगर ये राष्ट्रहित में जाएंगे और युवाओं का शोषण करने का प्रयास करेंगे। चलिए जम्मू के युवाओं की बात आपसे भी करूंगी, युवा नेता हैं आप, समय समय पर संघर्ष जम्मू के युवाओं के लिए करते हैं। आपको क्या लगता है कि जम्मू की लीडरशिप कितनी सक्सेसफुल हुई है बच्चों को एक अच्छा बेस्ट एंड बेटर फ्यूचर देने के लिए? क्योंकि हाल ही में एनएसएसओ की एक रिपोर्ट आई कि हिंदुस्तान में जो है 45% इंक्रीज हो गया अनएम्प्लॉयमेंट रेट, और वो किसकी सरकार में हो, उस केंद्र सरकार में हो जिसका दामन आपने कल थामा है। देखिए 5 बरस अभी नरेंद्र भाई मोदी जी को दिए हैं और आप 60 साल का पीछे का जो है उसको बीच में नहीं ला रहे हैं। अभी बेरोजगारी की वो तो बीजेपी ला रही है। बिल्कुल हम चाहते हैं, हम अपनी निजी सोच रखते हैं। कल हमने श्रीसेना हिंदुस्तान से रिजाइन किया है, उसका कारण ये रहा कि वहाँ पर युवाओं का शोषण किया जाता था, उनके हक का शोषण किया जाता था, इसलिए हमने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है और सदैव और एक प्रण किया है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व के लिए कार्य करेंगे। और जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष की समस्त टीम ही, उन सब का सम्मान सर्व रख कर हम कार्य करेंगे। और जो भी आपने बेरोजगारी की बात कही है, हम पूर्ण प्रयास करेंगे। अब नारायण सिंह एक दिग्गज नेता राजपूतों के माने जाते हैं और अमित शाह जी की मौजूदगी में कहा जाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, उन्होंने भी की, आपने भी की, आपकी तरफ से भी एक रुझान रहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी में जाऊंगा। श्यामलाल शर्मा कांग्रेस के दिग्गज नेता, उन्होंने भी की, सभी जो है जनाधार बढ़ा रहे हैं। लेकिन सर सवाल ये उठता है कि क्या आप सभी मिलकर मोदी जी का वो सपना पूरा करेंगे, जीत जो है वो कुर्सी तक दोबारा पहुंचा पाएंगे? युवाओं पे फोकस करेंगे या फिर, क्योंकि बिजनेस सेक्टर भी डिमोनेटाइजेशन से काफी आहत हुआ है, तो किस तरह से सोच बदलेंगे यहाँ? आपने श्यामलाल जी की बात कही, नारायण सिंह जी की बात करी, जो दिग्गज नेता है, लीडर है, जमीनी स्तर से ऊपर गए हैं,
आज इनकी सोच परिवर्तन हो चुकी है। इनके हृदय ने ये बात स्पष्ट कर ली की है कि अगर राष्ट्र को कोई चला सकता है तो वो श्री नरेंद्र भाई मोदी जी है, इसलिए इन्होंने वहाँ आने का फैसला किया है। हम तो अभी युवा नेता हैं, तरक्की पर हैं, तो हमने भी यही सोच कर भारतीय जनता पार्टी में। मैं आपसे एक सवाल करूंगी, राहुल गांधी ने हाल ही में कहा है कि 22 लाख नौकरियां जो है वो युवाओं को देंगे, 72,000 सालाना, तो वो तो न्याय की मांग है, उसके बाद 22 लाख नौकरियां जो है देने की बात किया। मानते हैं कटाक्ष है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस बात पर कि 2 करोड़ नौकरियां मैं दूंगा, लेकिन असफल रहे तो 22 लाख नौकरियां देने की राहुल गांधी ने बात की। देखिए, राहुल गांधी जी आज कह रहे हैं 72,000 देंगे, नौकरियां देंगे, किसानों का कर्जा मुक्त कर देंगे, परंतु पिछले 60 वर्षों में ये क्यों नहीं कर पाए? अगर ये पहले ही कर देते तो आज की ये स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती। ये सीधा सीधा इनका सवाल सर उसी से पूछे जाते हैं जिसके केंद्र में सरकार, और आप जानते हैं वो भाजपा की सरकार थी, तो अब उसको तो कटाक्ष होगा ही। बिल्कुल, ये बयानबाजी है और कुछ नहीं है, ये इसमें कोई सत्य नहीं है। राहुल गांधी जी जो बोल रहे हैं ये पूर्ण होने वाला नहीं। 15 लाख बयानबाजी था, 15 लाख जो खातों में आने की बात थी, क्या वो बयानबाजी? ये सत्य था, अभी तक पहुंचा नहीं। सत्य है, पहुंच चुका है। देखिए, जिनको पहुंच गया है वो लोग सामने आएंगे, जब हमारे पास तथ्य आएंगे हम भी आपके सामने रखेंगे। ये अगर पहुंच गया है तो अच्छा, आपको भाजपा जो है दोबारा सरकार बना सकती केंद्र में, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पर रमन भल्ला का नाम जो है उन सीट पर काफी आगे चल रहा है। विश्वास नहीं, सशक्त विश्वास है, जिस प्रकार के कार्य हुए हैं, एयर स्ट्राइक की बात करें और काफी अलगावादियों की बात करें जो सुरक्षा लेकर घूम रहे थे, सब वापिस हैं, जेल में पड़े हुए हैं। और एक बार फिर से कहूँगा, सशक्त विश्वास है नरेंद्र भाई मोदी जी के नेत्र में भारत प्रगति की ओर बढ़ चुका है और जल्द ही चरम शिखर पर अपना ये तिरंगा है वो लहराएगा। एक सवाल मेरे जहन में आया, मैं रोहित जी से जरूर पूछूंगी क्योंकि बनता है इनसे पूछना। जावेद राणा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो टेररिस्ट है, अगर मेरा बस चले तो मैं ऐसे शख्स को जो कत्लोगारत कर रहा है कश्मीर में मैं जेल में डाल दूँ, क्या कहेंगे? क्या ये एक पार्लियामेंट्री लैंग्वेज है? क्या ये सही लैंग्वेज है एक पॉलिटिशियन की? दरअसल ये उनकी संस्कृति दर्शाती है कि जिस संस्कृति से वो आते हैं, क्योंकि उग्रवाद के जो कहते हैं पालक और पोषक, ठीक है, ये वो लोग हैं जिन्होंने उग्रवाद का पालन पोषण करा है। अब जब तब ये कहाँ होते हैं, जब ये पूंछ में पाकिस्तान की तरफ से जब गोले बरसाए जाते हैं, और मेरे को लगता है ये मेंढर सुरनकोट साइड से हैं, और वहाँ पे कितनी पाकिस्तान की तरफ हैवी शेलिंग हो रही है इस समय। बालाकोट अभी भी मुद्दा है उनके जहन में कि बालाकोट को बुना रही है भारत सरकार, क्या कहेंगे? और वो ये भी कह रहे हैं कि मोदी तो खत्म ही हो गया था अगर पुलवामा का हमला नहीं होता, तो इसी तरह से सवाल जो है अभी भी उठाए जा रहे हैं, यानी कि बालाकोट ने बहुत बड़ी एक चोट की है इन सबके। देखिए, मोदी जी के जो आपने बात कही, उन्होंने बोला कि हमारी तरफ जितने भी पत्थर उछालोगे हम उससे अपना मकान बनाएंगे, और जितनी भी गालियाँ निकालोगे हम उनसे अपने गहने बनाएंगे। वैसा ही इन्होंने बालाकोट का हमला किया। इनको उनको समझाना चाहिए था अपने रिश्तेदारों के जो POJK में और जो पाकिस्तान में बैठे हैं, कि ऐसा हमला ना करें जिससे कि मोदी जी को ये मुद्दा मिल जाए और वो उसको अच्छे से बुना लें। इसलिए मैं कहूँगा कि हम मोदी जी के साथ हैं बालाकोट के लिए। एक सवाल करूँगी, महागठबंधन इससे पहले भी बना था, असेंबली डिसॉल्व होने से पहले वो 3 पार्टीज उसमें साथ आई थी, किसको रोकना था? भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन अभी हाल ही में जो गठबंधन बना है उसमें PDP की भागीदारी नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की है। क्या लगता क्या है कि किस तरह से ये राजनीति रही कि जब आप असेंबली में होते हैं, विधानसभा में होते हैं, आप एक दूसरे के खिलाफ होते हैं, बयानबाजी करते हैं, लेकिन इलेक्शन के टाइम में आप साथ आ जाते हैं, ये किस तरह की राजनीति? देखिए, राजनीति जो शब्द है इसके मेरे लिए जो हैं, मैं हमेशा हमने हमेशा एक ही नारा दिया है, वंदे मातरम जय श्री राम। मैं राजनीति नहीं रामनीति पे बिलीव करता हूँ। राम मंदिर कब बनेगा? ये तब बनेगा जब हिंदू एकजुट होगा। राम जी को किसी की जरूरत नहीं है, वो आज भी विराजमान है हर, आप देखिए जब भी हिंदू का कभी जनाजा निकलता है, जब भी उसकी शव यात्रा निकलती है, राम नाम सत्य ही बोला जाता है। ये सिर्फ भगवान जो है अपने लोगों की परीक्षा ले रहे हैं, और ये वो घड़ी आ चुकी है। आप इससे सभा भी आयोजित की गई थी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, वहां पर तमाम हिंदू संगठन आए थे, उन्होंने कहा था ये नाकाम रहे हैं, ये सरकार नाकाम रही है, अपनी पॉलिटिकल पार्टीज बना रहे हैं प्रवीण तोगड़े, हिंदुस्तान निर्माण दल। लगता है कहीं ना कहीं नुकसान होगा भाजपा को, कि हिंदुओं की भावना को आहत किया। और एक और बात मैं आपसे करूंगी, आपको याद होगा अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल का एक कार्यक्रम था, वहां पर आप भी मौजूद थे, राजेश बजरंगी जी भी मौजूद थे, और वहां पर ये कहा गया था कि लोकतंत्र की हत्या जो है वो भाजपा ने की है। मानते हैं कि कहीं ना कहीं वो जो कार्यक्रम में जो भी लफ्ज यूज किए गए, जो भी बातें की गई, वो सीधा हमला भाजपा सरकार पर था, क्योंकि आहत हुए थे हिंदू लोग। देखिए, लोकतंत्र है, अगर वो ये अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज कर सकते हैं
तो ये हमारा भी लोकतंत्र है, लोकशाही है, हमें जो गलत करेगा, जो हिंदू हित की बात करेगा हम उसके साथ चलेंगे, जो हिंदू हित का हनन करेगा हम उसका विरोध करेंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो रोहित बजरंगी जी और बिनी जी हमारे साथ हैं। हालांकि सवाल अभी ये उठता है कि किसको वोट मिलेगा, क्या राहुल गांधी जो एक महागठबंधन के एक बहुत बड़ा चेहरा बनकर आ रहे हैं, महारैली जो है ममता बनर्जी ने की कलकत्ता में, फारूक अब्दुल्ला वहां पर आए, तमाम लीडर्स महागठबंधन के आए, अखिलेश यादव, लेकिन सवाल ये उठता है कि वहाँ पर भी कहा गया कि ईवीएम चोर है, फारूक अब्दुल्ला ने सीधे तौर पर ईवीएम पर सवाल उठाए, इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाए, लेकिन इस बार वीवीपैट जो है एडिशन किया गया है ताकि जो दिखाया जाए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो एक ट्रांसपेरेंट बॉडी है, वो किसी के हित के लिए काम नहीं करती है, वो न्यूट्रल रहती है। लेकिन अब मैनिफेस्टो जारी हो गए हैं, कांग्रेस का अपना मैनिफेस्टो है, किसानों की बातें हुई है, 72,000 रुपये सालाना की बात हुई है, वहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति करने की बात हुई है, और काफ़ी बातें जो है वो विकास की हुई है, लेकिन वही बातें कहीं ना कहीं नदारत है भारतीय जनता पार्टी के जो बयानबाजी है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर जो है पाकिस्तान की बात हो रही है। तो सवाल ये भी उठता है कि अब इलेक्शन जो है, वो किस मायने पर रखी जाएगी, क्या विकास के मुद्दे पर इलेक्शन होगी या फिर कुछ और मुद्दे होंगे, क्योंकि आने वाला वक्त बताएगा। 11 तारीख जो है वो बहुत एक अहम रहने वाली है, और 23 मई की तारीख जो है उम्मीदवारों के लिए भी बहुत अहम रहने वाली है, साथ ही साथ जनता के लिए भी अहम रहने वाली है, क्योंकि भारत के भाग्य विधाता की जो भी एक तस्वीर होगी वो समस्त हिंदुस्तान के सामने होगी। जम्मू से रूहान की रिपोर्ट।